देखो दोस्तों, इस मैच के अंदर मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव की वापसी हो सकती है, साथ ही आपको दिल्ली की तरफ से एक दो नए प्लेयर खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे एक अच्छी टीम बनानी है, कैसे ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना और कौन से प्लेयर को कप्तान वाइस कप्तान बनाना है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा याद से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। वही देखो दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी वीडियोस हर रोज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले आईपीएल 2024 के मैच नंबर 20 के बारे में, जो कि खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। 7 अप्रैल को दोपहर को 3:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। सबसे पहली बात देखो दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या फर्स्ट कमेंट चेक कर लो, वहां पे आप कुछ ऐसा हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लोज होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी ना, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और टेलीग्राम पे ये भी दिया जाएगा कि कौन सा प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर रहेगा, क्योंकि आजकल ग्रैंड लीग के अंदर इंपैक्ट प्लेयर का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या रह सकती है। देखो दोस्तों, इस साल आईपीएल 2024 के अंदर इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेला गया है। मैच खेला गया था मुंबई राजस्थान के बीच। मुंबई ने पहले बैटिंग की, 125 रन बनाए 9 विकेट पे। राजस्थान 127 रन बना के 6 विकेट से मैच जीत गई। 10 विकेट फास्ट बॉलर, 3 विकेट स्पिनर को मिले। अगर मुंबई के टॉप परफॉर्मर की बात करें तो आकाश मडवाल ने 3 विकेट लिए, ईशान किशन ने 16 रन बनाए, तिलक वर्मा ने 32 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 34 रन बनाए। ये 4 प्लेयर टॉप के परफॉर्मर देखने को मिले थे मुंबई की तरफ से उस मैच के अंदर। लेकिन ये वाला मैच 7:30 पे खेला गया था, इस वजह से यहाँ पे सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। आज वाला मैच खेला जाएगा 3:30 पे, तो ऐसे में टीम कोई भी जीत सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में पावर प्ले के अंदर फास्ट बॉलर को स्विंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की रेड सोइल विकेट होती है। अगर इस ग्राउंड की हिस्ट्री की बात करें तो 111 मैचों में से 50 मैच पहले बैटिंग और 61 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 169 रन है फर्स्ट इनिंग का। अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ना, तो आईपीएल 2023 के लास्ट के 3 मैचों का रिकॉर्ड दिखा देता हूं आपको इस ग्राउंड के ऊपर। लास्ट मैच खेला गया था 2023 के अंदर हैदराबाद मुंबई का इस ग्राउंड के ऊपर। हैदराबाद ने पहले बैटिंग की, 200 रन बनाए 5 विकेट पे। मुंबई 201 रन बना के 8 विकेट से मैच जीत गई। उस मैच में मुंबई की तरफ से आकाश मडवाल ने 4 विकेट लिए और रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए। उससे पहले एक मैच मुंबई गुजरात का खेला गया था। मुंबई ने पहले बैटिंग की, 218 रन बनाए 5 विकेट पे। गुजरात 191 रन बना पाई 8 विकेट पे और 27 रन से मुंबई मैच जीत गई थी। अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर की मुंबई की तरफ से उस मैच के अंदर, तो आकाश मडवाल ने 3 विकेट लिए, रोहित शर्मा ने 29 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 103 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। उससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेला गया था बेंगलोर मुंबई का 2023 के आईपीएल के अंदर, जिसके अंदर बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग की, 199 रन बनाए 6 विकेट पे। मुंबई 200 रन बना के 6 विकेट से मैच जीत गई। उस मैच में अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें तो ईशान किशन ने 42 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 83 रन बनाए। देखो, तीनों मैचों के अंदर अच्छे खासे रन बने हैं। तीनों मैचों की बात करें तो तीनों में से 2 मैच सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने वाली टीम जीती है, एक मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन तीनों मैचों के अंदर एक खास बात क्या है कि एक मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव ने 103 रन बनाए, एक मैच में 83 रन बनाए और जो पहला मैच तो उसके अंदर भी सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी लगाई थी। यानी तीनों मैचों के अंदर सूर्य कुमार यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और ये वाला मैच सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं। वैसे सूर्य कुमार यादव को हर एक बंदा अपनी टीम में मिलेगा, लेकिन अगर मुंबई की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे तो सूर्य कुमार यादव आपको इंपैक्ट प्लेयर में देखने को मिल सकता है। उस केस में इसका सिलेक्शन भी कम होगा, आपके लिए डायरेक्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक ऑप्शन भी रह सकता है ग्रैंड लीग के अंदर। बाकी इन तीनों मैचों के अंदर टोटल 30 विकेट गिरे थे, जिसमें 17 विकेट फास्ट बॉलर और 12 विकेट स्पिनर को मिले थे। देखो, सिंपल सी बात है, रेड सोइल की विकेट है, हाई बाउंस देखने को मिलता है। दूसरी चीज, मैक्सिमम मैच सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, लेकिन ये वाला मैच 3:30 पे, तो मैच तो कोई टीम जीत सकती है, लेकिन मुंबई की टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम है एज कंपेयर टू दिल्ली, ये चीज ध्यान रखना। बाकी टॉस होने के बाद पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आपसे ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, मुंबई की तरफ से अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनर, 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आएंगे अगर खेलते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव नहीं खेलते हैं उस केस के अंदर नमन धीर फिर से 3 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं, बाकी हाई चांस लगे सूर्य कुमार यादव मैच खेलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मिडल ऑर्डर की, तो तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, उसके बाद ड्वेल्ड ब्रेविस और रोमायू सेफर्ड में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें इनकी तरफ से, तो पीयूष चावला एक बॉलर, आकाश मडवाल दूसरा, जिराल्ड कोर्जे तीसरा, जसप्रीत बुमराह चौथा बॉलर, उसके बाद ल्यूक वुड और केवान मफाका में से कोई एक खेलेगा।
लास्ट के दो मैच केवियन मफाका के लिए तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अगर ल्यूक वुड फिट होता है तो ल्यूक वुड ये मैच खेलेगा और छठा बॉलिंग ऑप्शन आपको हार्दिक पांड्या देखने को मिलेगा मुंबई की तरफ से। अब अगर हम लास्ट मैच की बात करें मुंबई की तरफ से, तो लास्ट मैच में मुंबई की टीम ने पांच ही बॉलर का यूज किया था, जिसमें केवाना मफाका ने दो ओवर की बॉलिंग की, एक विकेट लिया। बुमराह ने चार ओवर की बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं लिया। आकाश मडवाल ने चार ओवर की बॉलिंग की, तीन विकेट लिए। कोइटजे ने 2.3 ओवर की बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं लिया। और पीयूष चावला ने तीन ओवर की बॉलिंग की और कोई विकेट नहीं लिया। एक चीज बता दूं, अगर मुंबई की टीम पहले बैटिंग करती है फिर आपको इनका इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल सकता आकाश मडवाल, जो सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग करने आ जाएगा। लेकिन अगर मुंबई की टीम पहले बॉलिंग करती है उस केस में सूर्य कुमार यादव हाई चांस आपको इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल सकता है, जो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने आ जाएगा। और सूर्य कुमार यादव अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी एक अच्छा दावेदार रह सकता है, क्योंकि बहुत कम सिलेक्शन होगा। बाकी हाई चांस है मुंबई की तरफ से आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। अगर कोई चेंज होता है वो मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली की, देखो दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शाह और डेविड वॉर्नर ओपनर, तीन नंबर पे मिचेल मार्श, ये तीन प्लेयर हो गए टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब, अभिषेक पोरल और अक्षर पटेल तक बैटिंग कर लेते हैं। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो एनरिक नोकिया एक बॉलर, ईशांत शर्मा दूसरा, खलील अहमद तीसरा, राशिद दारसलाम चौथा, उसके बाद मुकेश कुमार और सुमित कुमार में से कोई एक खेलेगा वो पांचवा बॉलर, और छठा बॉलिंग ऑप्शन आपको मिचेल मार्श देखने को मिल सकता है। हालांकि इनकी टीम में चेंज हो सकते हैं लास्ट मैच से कुछ, क्योंकि लास्ट मैच में सुमित कुमार खेले थे, अगर मुकेश कुमार फिट होते तो मुकेश कुमार खेलेंगे। लास्ट मैच में आर दारसलाम खेले थे, अगर कुलदीप यादव फिट होते हैं तो कुलदीप यादव ये मैच खेलेंगे, और कुलदीप यादव खेलेंगे तो टीम के अंदर लेना पड़ेगा। ये दो पॉसिबल चेंज हो सकते हैं। लास्ट मैच में इनका बॉलिंग देख लेते हैं, खलील अहमद ने चार ओवर की बॉलिंग की, एक विकेट लिया। ईशांत ने तीन ओवर की बॉलिंग की, दो विकेट लिए। एनरिक नोके ने चार ओवर की बॉलिंग की, तीन विकेट लिए। सलाम ने तीन ओवर की बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं लिया। सुमित कुमार ने दो ओवर की बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं लिया। अक्षर पटेल ने एक ओवर की बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं लिया। और मिचेल मार्श ने तीन ओवर की बॉलिंग की और एक विकेट लिया। ये छह सात बॉलिंग ऑप्शन की टीम में यूज किए थे। यहाँ पे अक्षर पटेल भी इनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन फिर से कहूंगा मुकेश कुमार की एंट्री हो सकती है और कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है इनकी प्लेइंग 11 के अंदर अगर फिट होते हैं। लास्ट मैच में इनका इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल था, इस मैच में अभिषेक पोरेल रह सकता है। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है उस केस के अंदर मुकेश कुमार फिट होते हैं तो मुकेश कुमार आपको इनका इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखो दोस्तों, हाई चांस है दिल्ली की तरफ से आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। एक दो पॉसिबल चेंज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े और हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने My11Circle ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो डाउनलोड कर लो यार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इस साल IPL 2024 के अंदर मेगा लीग में My11Circle ऐप पे जो फर्स्ट प्राइज है ना वो 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 करोड़ तो हर मैच में फर्स्ट प्राइज होगा ही होगा, साथ ही आपको 2 करोड़ मिल सकता है, 3 करोड़ भी मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी थोड़ा कम है तो जीतना भी आसान है मेगा ग्रैंड लीग के अंदर। उसके अलावा अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से My11Circle ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 1500 रुपए का बोनस मिलता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते वक्त, यानी फर्स्ट टाइम मान लेते हैं आप 100 रुपए भी डिपॉजिट करते हो और डिपॉजिट करते वक्त हमारा कूपन कोड DET20 यूज करते हो ना तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। और फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ से तो स्टार्ट है, 2 करोड़ भी होगा, 3 करोड़ भी होगा। तो कमाल की ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, My11Circle ऐप डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट करो। अब देखो दोस्तों, मुंबई इंडियंस के प्लेयरों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये प्लेइंग 11 मान के चला हूं मुंबई की, जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताई थी। मुंबई की तरफ से अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा, राइटी बैट्समैन है, ओपनिंग करने आता है। दिल्ली के खिलाफ अपने करियर में 10 मैचों में 276 रन बनाए 27.6 की एवरेज से। इस साल अगर हम आईपीएल की बात करें तो पहले मैच में 43, दूसरे मैच में 26 और तीसरे मैच में 0। देखो यार, यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि दिल्ली के खिलाफ 27.6 की एवरेज है, इस साल भी डिसेंट फॉर्म है, तो ये प्लेयर मस्ट पिक रहेगा मेरी टीम के लिए। और अगर मुंबई की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे उस केस में हो सकता है इस प्लेयर को मैं एक आधी टीम में कप्तान या वाइस कप्तान बना के भी चलूं। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से ईशान किशन, लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपर है, दिल्ली के खिलाफ 8 मैचों में 174 रन है 93.5 की एवरेज से। दिल्ली के खिलाफ आउटस्टैंडिंग एवरेज कैरी करता है ईशान किशन, एक चीज तो ये ध्यान रखना 93.5 की। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 34 और तीसरे मैच में 16 रन। ये प्लेयर सेफ ऑप्शन है क्योंकि बैटिंग करेगा ओपनिंग में प्लस विकेट कीपिंग करेगा तो उससे भी एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकता है। उसके बाद हमारे पास मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव, राइटी बैट्समैन है, 3 नंबर बैटिंग करने आ सकता है। दिल्ली के खिलाफ 9 मैचों में 220 रन 31.4 की एवरेज से काफी अच्छी एवरेज है। अभी तक इस साल आईपीएल में कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप लास्ट ईयर के लास्ट के 3 मैच देखोगे ना तो सूर्य कुमार यादव ने 2 सेंचुरी लगाई थी और 1 मैच में 80+ रन बनाए थे। ये प्लेयर बहुत ही सेफ ऑप्शन है, कप्तानी वाइस कप्तानी का भी ऑप्शन है अगर आप सेफ जाना चाहो, रिस्क ना लेना चाहो।
उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से तिलक वर्मा लेफ्टी बैट्समैन चार नंबर बैटिंग करने आता है। अगर हम बात करें इस साल आईपीएल की तो पहले मैच में 25, दूसरे मैच में 64, तीसरे मैच में 32, तीनों मैचों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस है। दिल्ली के खिलाफ अपने करियर में 3 मैचों में 84 रन 28 की एवरेज से, देखो ये भी सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर मुंबई पहले बैटिंग करेगी तो तिलक वर्मा को टीम में रखूंगा, अगर मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी तो शायद मैं तिलक वर्मा को ड्रॉप भी कर दूं अपनी टीम से। उसके बाद हमारे पास है हार्दिक पांड्या, राइटी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर है। देखो इस साल अगर हम आईपीएल की बात करें तो पहले मैच में 11 रन 0 विकेट, दूसरे मैच में 24 रन 1 विकेट और तीसरे मैच में 34 रन है। दिल्ली के खिलाफ 10 मैचों में 184 रन है, 23 की एवरेज और 3 विकेट है। देखो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता ना हार्दिक पांड्या, इस वजह से फैंटेसी की टीम में आने के चांस है, इसलिए सेफ ऑप्शन है, इस वजह से इसको टीम में रखा जा सकता है। और अगर मुंबई पहले बैटिंग करे ना तो हार्दिक पांड्या कप्तानी वाइस कप्तानी का भी ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि उस केस में इसकी बैटिंग आएगी और सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करता और एक दो विकेट भी निकाल लेता है तो फैंटेसी की टीम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान भी बन सकता है। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से टिम डेविड, राइटी बैट्समैन है। देखो इस साल टिम डेविड की बात करें तो 11, 42 और 17 रन बनाए लास्ट के 3 मैचों में। दिल्ली के खिलाफ 3 मैचों में 69 रन 29.5 की एवरेज, लेकिन बैटिंग बहुत नीचे करने आता है, इस वजह से अभी तक मैं टिम डेविड के ऊपर फोकस करके इतना नहीं चल रहा हूं। बाकी अगर आप टिम डेविड को अपनी टीम में लेने का रिस्क ले रहे हो उस केस में आप मुंबई के टॉप ऑर्डर कम से कम 2 बैट्समैन को ड्रॉप करके चलना, तभी टिम डेविड की अच्छे से बैटिंग आ पाएगी और तभी ये फैंटेसी की टीम में आ पाएगा। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से डिवेल्ड ब्रेविस, देखो ब्रेविस की बात करें ना तो पहले ब्रेविस थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आता था, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव आता और इनकी टीम 4 नंबर पे तिलक वर्मा खिलाती ना, उस केस में डिवेल्ड ब्रेविस थोड़ा नीचे बैटिंग करने आ सकता है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर डिवेल्ड ब्रेविस 4 नंबर पे बैटिंग में मेंशन होना, मान लेते हैं प्लेइंग 11 आए, तब डिवेल्ड ब्रेविस को इनकी टीम 4 नंबर पे मेंशन कर देना, तो फिर आप इसको टीम में ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर डिवेल्ड ब्रेविस की जगह रोमारियो सेफर्ड खेले तो इस प्लेयर को टीम में रख लेना। रोमारियो सेफर्ड ने एक ही मैच खेला जिसके अंदर 15 रन बनाए थे, बाकी नहीं खेला, लेकिन अगर ये खेलता तो फिर ये डेथ ओवर में बॉलिंग भी करने आएगा प्लस बैटिंग भी करेगा। तो अगर डिवेल्ड ब्रेविस की जगह रोमारियो शेफर्ड खेले तो आप इसको टीम में याद से ट्राई कर सकते हो, राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से जेराल्ड कोटजे, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। देखो इस साल आईपीएल के अंदर हम बात करें तो पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट और तीसरे मैच में 0 विकेट था, ऐसा रिकॉर्ड कुछ भी हो इस प्लेयर को मैं 101% मेरी टीम में लूंगा, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आता, हार्ड लेंथ हिट करता है, इस मैच में विकेट निकाल सकता है। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से समसुमलानी, स्टार्टिंग के 2 मैचों में फ्लॉप था, उसके बाद मैच नहीं खेले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। उसके बाद हमारे पास इनके पास तरफ से पीयूष चावला, लेग ब्रेक स्पिनर है। देखो पीयूष चावला ने अब तक 3 मैचों में से 1 विकेट और 0 विकेट निकाले लास्ट के 3 मैचों में, लेकिन दिल्ली के खिलाफ अगर हम बात करें तो 4 मैचों में 6 विकेट है। और लास्ट ईयर जब इन दोनों टीमों के बीच एक हेड टू हेड मैच खेला गया था ना, उसके अंदर पीयूष चावला ने 3 विकेट निकाले थे और फैंटेसी के अंदर वाइस कप्तान बना था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये प्लेयर आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंशियल निकल के आ सकता है, थोड़े से कम बंदे ट्राई करेंगे इस प्लेयर को। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से जसप्रीत बुमराह, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। अब तक अगर हम बात करें तो पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट और तीसरे मैच में 0 विकेट। अगर हम बात करें दिल्ली के खिलाफ तो 10 मैचों में 15 विकेट है, ये सेफ ऑप्शन, इसको टीम के अंदर रखा जा सकता है। मैं मेरी मैक्सिमम टीमों में जसप्रीत बुमराह को रखूंगा, हालांकि लास्ट मैच में विकेट लेस था, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा, जसप्रीत बुमराह विकेट निकालेगा और चाहो तो सीवीसी भी बना सकते हो जसप्रीत बुमराह। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से ल्यूक वुड, देखो ल्यूक वुड पहला मैच खेला था, उसके बाद कोई मैच नहीं खेला था, अगर ल्यूक वुड ये मैच खेलता है तो टीम में रखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है आकाश मडवाल, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाले थे इस प्लेयर ने, इस प्लेयर का रिकॉर्ड इस ग्राउंड के ऊपर काफी आउटस्टैंडिंग है। अगर हम बात करें तो 4 मैचों में 11 विकेट निकाल चुका है आकाश मडवाल इस ग्राउंड के ऊपर, तो काफी अच्छे रिकॉर्ड कैरी करता है, चीज ध्यान रखना। और लास्ट मैच ल्यूक वुड नहीं खेला था, ल्यूक वुड की जगह खेला था लास्ट मैच कौन, किवाना मफाका, जिसने 1 विकेट निकाला था, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। अगर मफाका को फिर से इनकी टीम मौका देती तो कितने ओवर की बॉलिंग मिलती है वो एक देखने वाली बात रहेगी। बाकी अपने T20 करियर में 9 मैचों में 13 विकेट निकाल चुका और लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाला था इस प्लेयर ने, जयसवाल को आउट किया था इस ग्राउंड के ऊपर, राजस्थान और मुंबई का मैच था लास्ट वाला, ये चीज ध्यान रखना। बाकी हाई चांस आपको यही प्लेइंग 11 और ये प्लेयरों का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है मुंबई की तरफ से। अगर कोई और प्लेयर खेलता है उसका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे बता पाऊंगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, ये मैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 मान के चलाऊं जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताई थी, अब इन प्लेयरों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। दिल्ली की तरफ से सबसे पहला नाम है डेविड वॉर्नर, लेफ्टी बैट्समैन है, ओपनिंग करने आता है। अगर हम बात करें इस साल आईपीएल की तो पहले मैच में 29, दूसरे में 49, तीसरे में 52, चौथे में 18 रन, डिसेंट फॉर्म है। एक मैच में फ्लॉप हुआ, बाकी 3 मैचों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देके फैंटेसी की टीम में अपनी जगह बना पाया है। अगर हम बात करें मुंबई के खिलाफ तो 22 मैचों में 734 रन है 42.9 की एवरेज से, यहाँ पे भी डिसेंट रिकॉर्ड है, लेकिन थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह से इसको खतरा रह सकता है, पावर प्ले के अंदर जसप्रीत बुमराह डेविड वॉर्नर को आउट कर सकता है।
उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से पृथ्वी शो राइटी बैट्समैन है, ओपनिंग करने आता है। मुंबई के खिलाफ अगर हम बात करें तो 11 मैचों में 143 रन है, मात्र 14.3 की एवरेज से अपनी कैरियर के अंदर। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इस साल आईपीएल के अंदर 2 मैच खेले, 1 मैच में 43 रन और 1 मैच में 10 रन। हिटर है, आते ही मारने की कोशिश करता है पृथ्वी शो, लेकिन डिफरेंशियल प्लेयर तो है मेरे भाई। अगर 25-30 रन बना के जाता ना तो फैंटेसी की टीम में आ सकता है, 25-30 रन बना भी सकता है, लेकिन वही बात है रिस्क की पिक है क्योंकि ज्यादातर लोग इस प्लेयर के ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से मिचेल मार्श, राइटी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर है। अब तक अगर हम आईपीएल की बात करें तो पहले मैच में 20 रन, दूसरे मैच में 23 रन, तीसरे मैच में 18 रन और लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था, 0 पे आउट हो गया था। मुंबई के खिलाफ 3 मैचों में 38 रन, 19 की एवरेज और 3 विकेट है, यानी बॉलिंग करने के चांस है इस मैच में मिचेल मार्श के। इस वजह से इसको मैं टीम में रखूंगा, ये प्लेयर एक सेफ ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लो ना तो मिचेल मार्श एक कप्तानी वाइस कप्तानी का ऑप्शन है। अगर 40-50 रन बनाता है, 1-2 विकेट निकाल के लेके जाता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से साई होप पहला मैच खेला था आईपीएल का जिसके अंदर 33 रन बनाए थे, उसके बाद कोई मैच नहीं खेला था। अगर साई होप फिट होता है और मैच खेलता है तो आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है ऋषभ पंत, लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करता है। अगर हम बात करें इस साल आईपीएल की तो पहले मैच में 18, दूसरे में 28, तीसरे में 51 और चौथे में 55, लास्ट के 2 मैचों में 250 लगा चुका है ऋषभ पंत। अगर मुंबई के खिलाफ बात करें तो 14 मैचों में 372 रन, 28.6 की एवरेज से। देखो वैसे तो सेफ ऑप्शन है क्योंकि बैटिंग करेगा प्लस विकेट कीपिंग करेगा तो उससे पॉइंट देगा तो फैंटेसी की टीम में आ जाएगा, लेकिन लगातार 2 मैचों में प्लेयर फैंटेसी की टीम में आ चुका है तो हो सकता है तीसरे मैच में फ्लॉप भी हो जाए। इस वजह से इसको मैं मेरी ग्रैंड लीग की 1-2 टीमों के अंदर ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आपके लिए सेफ ऑप्शन अगर आपको ट्राई करना हो स्मॉल लीग के अंदर तो मस्ट ट्राई कर लेना। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से ट्रिस्टन स्टब, राइटी बैट्समैन है, 5-6 नंबर बैटिंग करने आता है। इस साल आईपीएल की बात करें तो पहले मैच में 5 रन, उसके बाद 44, उसके बाद 0, उसके बाद 54। देखो यार मैं एक बात आपको, ट्रिस्टन स्टब ने 44 रन बनाए थे ना तब भी इसका कैच ड्रॉप हुआ था, ये 54 रन बनाए थे ना तब भी इसका कैच ड्रॉप हुआ था और बाकी 2 मैचों में फ्लॉप हुआ था। यानी ऐसा नहीं कि क्लीन हिटिंग करके ट्रिस्टन स्टब ने 44-54 रन बनाए, जब जब ये रन बनाए तब तब इसका कैच ड्रॉप हुआ था। यहाँ पे इसका कैच छोड़ा था कोलकाता के खिलाफ मैच था, श्रेयस अय्यर ने इसका कैच छोड़ा था और 44 रन में भी इसका कैच एक प्लेयर ने छोड़ा था। तो यहाँ पे ये चीज देख लेना कि इतना क्लीन हिटिंग करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, कैच ड्रॉप हुए हैं इस प्लेयर के। उसके बाद हमारे पास है अभिषेक पोरेल, लेफ्टी बैट्समैन है, ये इंपैक्ट प्लेयर भी रहता है दिल्ली की तरफ से। अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग करे ना तो इंपैक्ट के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। अब तक अगर हम आईपीएल की बात करें तो पहले मैच में 32, उसके बाद 9-9-0 एवरेज ही परफॉर्मेंस है इस प्लेयर का। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से अक्षर पटेल, लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। अब तक अगर हम आईपीएल की बात करें तो पहले मैच में 21 रन, 0 विकेट, दूसरे मैच में 15 रन, 1 विकेट, तीसरे मैच में 7 रन, 1 विकेट और चौथे मैच में 0 रन और 0 विकेट था। मुंबई के खिलाफ 19 मैचों में 253 रन, 25.3 की एवरेज और 12 विकेट है। पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करनी चाहिए प्लस बैटिंग भी करता तो सेफ ऑप्शन है, टीम के अंदर रखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास सुमित कुमार, अब तक कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं इस वजह से मैं अभी तक इतना फोकस करके नहीं चल रहा, लेकिन अगर सुमित कुमार की जगह मुकेश चौधरी खेले, लेकिन अगर सुमित कुमार की जगह कुलदीप यादव खेले, लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है, पहले 2 मैचों की बात कर तो 2 विकेट और 1 विकेट था आईपीएल के अंदर, लास्ट के 2 मैचों में फ्लॉप है। मुंबई के खिलाफ 9 मैचों में 7 विकेट है, सेफ ऑप्शन है, फिर इसको टीम के अंदर रखना पड़ेगा अगर सुमित कुमार की जगह कुलदीप यादव खेले तो। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से मुकेश कुमार, देखो मुकेश कुमार लास्ट वाला मैच नहीं खेला था, उससे पहले आईपीएल के 2 मैच खेले जिसके अंदर 1 विकेट और 3 विकेट निकाले थे और मुंबई के खिलाफ 1 मैच में 2 विकेट, ये 2 विकेट लास्ट ईयर ही निकाले थे मुंबई के खिलाफ। एक अकेला बॉलर था मुकेश कुमार दिल्ली की तरफ से जो मुंबई के खिलाफ लास्ट ईयर हेड टू हेड मैच हुआ था ना उसके अंदर चला था, बाकी सारे बॉलर फ्लॉप हो गए थे, बस इसी बॉलर ने 2 विकेट निकाले थे। अगर खेलता है तो ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल रह सकता है। उसके बाद हमारे पास है एनरिक नोकिया, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। नोकिया की बात करें तो मुंबई के खिलाफ 7 मैचों में 7 विकेट है और अगर हम इस साल आईपीएल की बात करें तो पहला मैच तो खेला नहीं, उसके बाद 1 विकेट, 0 विकेट और 3 विकेट, डिसेंट फॉर्म में है, टीम के अंदर रखा जा सकता है, सेफ ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है खलील अहमद, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। खलील अहमद की बात करें तो मुंबई के खिलाफ 4 मैचों में 6 विकेट है, इस साल आईपीएल में पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट। देखो ऑलमोस्ट 4 मैचों के अंदर ये प्लेयर विकेट निकाल चुका, 6 पावर प्ले में बॉलिंग करने आता है, डैच में बॉलिंग करने आता है, थोड़ा सा यहाँ पे रोहित शर्मा को परेशान भी कर सकता है अपने पावर प्ले के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से ईशान शर्मा, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है। मुंबई के खिलाफ 14 मैचों में 16 विकेट है, इस साल आईपीएल में पहले मैच में 1 विकेट, दूसरा मैच नहीं खेला, तीसरे मैच में 0 विकेट और चौथे मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे। अगर यहाँ पे कुलदीप यादव और मुकेश चौधरी यानी मुकेश कुमार दोनों खेलते हैं ना उस केस के, अगर यहाँ पे कुलदीप यादव और मुकेश कुमार दोनों खेलते हैं उस केस के अंदर ईशान शर्मा के कुछ और कट भी हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये ना खेले तो ईशान शर्मा पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेगा, फिर क्रूशियल रह सकता है। तो ये आपको दिल्ली के सारे प्लेयरों का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। अगर कोई और प्लेयर खेलेगा उसके बारे में आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।
तो भाई वो टीम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये है मेरी टीम, फाइनल टीम मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पे, सिंपल सी बात है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यार अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, हम 350 के सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ यार 350 के सब्सक्राइबर करवा। ये है सेफ टीम जिसके अंदर विकेट कीपर में ऋषभ पंत और ईशान किशन, बैटिंग में डेविड वॉर्नर, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा, ऑलराउंडर में मिशेल मार्श, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड कोहली और खलील अहमद को लिया है मैंने। यहाँ पे कैप्टन से वाइस कैप्टन से का ऑप्शन, एक तो आपके पास हार्दिक पांड्या है, एक है मिशेल मार्श, एक है रोहित शर्मा और एक है सूर्य कुमार यादव। ये चार है बिल्कुल सेफ सीवीसी के ऑप्शन, आप स्मॉल लीग के अंदर इन चारों में से अपना सीवीसी रोटेट कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, टॉस होने के बाद पिच कंडीशन को देख के वहां पे मैं आपको क्लियर कैप्टन वाइस कैप्टन बता दूं। अब एक मेरी मेगा ग्रैंड लीग की टीम है, ये रिस्की टीम है, 101% रिस्की टीम है मेगा ग्रैंड लीग की टीम। ये टीम लगानी है अगर दिल्ली की टीम पहले करे बैटिंग, तो अगर दिल्ली पहले बैटिंग करे तो ही इस टाइप की टीम लगानी। यहाँ पे विकेट कीपर मैंने लिया ईशान किशन को, बैटिंग में लिया रोहित शर्मा, डेविड वॉर्नर, सूर्य कुमार यादव को, ऑलराउंडर में मिचेल मार्श, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को, और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड कोहली, पीयूष चावला और खलील अहमद को लिया है। कप्तान मैंने रोहित शर्मा को बनाया, वाइस कप्तान मैंने जसप्रीत बुमराह को बनाया। ये मेरी रिस्की ग्रैंड लीग की टीम अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करे, ये मेरी सेफ टीम। बाकी फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहीं अभी तक अगर आपने My11Circle App को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इस साल मेगा जीएल के अंदर फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ से तो स्टार्टिंग है, 2 करोड़ भी होगा, 3 करोड़ भी होगा, कॉम्पिटिशन भी कम है। और अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से My11Circle App डाउनलोड करते हो, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते वक्त हमारा कूपन कोड DET20 यूज करते हो ना, तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। कमाल की ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, My11Circle App डाउनलोड करो। तो देखो भाई, ये मेरी तरफ से प्रेडिक्शन थी MI वर्सेस DC के बीच होने वाले मैच की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक चीज याद रखना, इस खेल के अंदर वित्तीय जोखिम भी और आदत भी लग सकती है, तो सोच समझ के खेलना। धन्यवाद।